सरजमीन पर जो हिंदुस्तान ने जुल्म किया है उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। इनिशियलाइजिंग सिमुलेशन 89 हॉस्टाइल्स कंफर्म्ड। आदमी दिखाई नहीं दे ऐसा फॉर्मूला, ये कैसे हो सकता है? रोबोट है एक बार फिर तैयार, क्या होगी इस बार की कहानी, किस तरह से रोबोट आज के समय मददगार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुपरस्टार रजनीकांत की कितनी फैन फॉलोइंग है, इंडियन इंडस्ट्री के साथ साथ हॉलीवुड में भी वो काफी फेमस है, उनकी तरह उनके फिल्मों को भी उतना ही प्यार मिलता है और यही वजह है कि आज एक बार फिर बहुत दिनों बाद रजनीकांत को पर्दे पर देखा जाने वाला है। रजनीकांत ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं, उन्हीं में से एक है रोबोट। फिल्म रोबोट को फैंस के द्वारा काफी पसंद किया गया था। फिल्म की कहानी से लेकर फिल्म के एनिमेशन दोनों ही काबिल तरीके की थी। फिल्म के साइंस फिक्शन इतने कमाल के थे कि हॉलीवुड ने भी इसकी तारीफ कर डाली थी। खबर है कि इस बार की फिल्म में कई साइंस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा कि आप सबने देखा था कि इसके दोनों पार्ट में रोबोट के नेगेटिव और पॉजिटिव साइड दिखाए गए थे, साथ ही सोशल मैसेज भी था। कुछ इस बार भी ऐसा ही करने जा रहे हैं शंकर। खबर है कि शंकर फिल्म में रोबोट को सारा काम करते दिखाने वाले हैं, यानी मनुष्यों के भी सारे काम रोबोट्स करेंगे। जी हाँ, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि अभी और आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है और किया भी जाएगा। इससे ये पता चलता है कि हम अधिकतर अपने हर कामों के लिए मशीनों पर डिपेंड रहते हैं और इसी कहानी को इस बार शंकर बड़े पर्दे पर दिखाना चाहते हैं। कहानी हम सबको काफी कुछ समझाने वाला है। आप सोचिए, अगर इंसानों वाले काम भी रोबोट्स करने लगे तो फिर आम जनता और लोगों का क्या होगा? पूरी दुनिया में बेरोजगारी छा जाएगी, सारे लोग घर पर बैठे रह जाएंगे, न तो उनके पास नौकरी होगी न कोई काम और स्टेटस। टेक्नोलॉजी इज गुड बट एक सीमा तक। अगर यही टेक्नोलॉजी मुश्किलें खड़ा कर देगी तो ऐसे टेक्नोलॉजी का क्या ही फायदा। और कई बार जैसे आदमी एक दूसरे का बन जाता है, ठीक वैसे ही मशीन भी आपस में नुकसान पहुंचा सकती है। इसी कहानी के साथ एक बार हमें रोबोट से रूबरू कराया जाएगा। फिल्म में इस बार और भी कई ज्यादा VFX सिनेमेटोग्राफी इस्तेमाल किया जाएगा, साथ ही फिल्म की स्क्रीनिंग भी ज्यादा होगी। फिल्म को विदेश में भी रिलीज किया जाएगा। एक बार फिर रजनीकांत को रोबोट के किरदार में देखा जाएगा। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं फिल्म को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और साथ ही वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।